नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, गुड डे, गुड इवनिंग, सब कुछ गुड होना चाहिए आपके साथ। मैं आपके लिए आदित्य आपके लिए लाया हूँ लेक्चर 4, यूज़र इनपुट एंड टाइप कन्वर्जन। ये हम बातें अब देखेंगे। अभी तक हमने लेक्चर पहले 3 लेक्चर्स में क्या बात की, हमने पाइथन के बारे में जाना, पाइथन के फीचर्स क्या हैं, है क्या, किसने बनाया, कैसा है, कहाँ काम आता है। फिर हमने जानने की कोशिश की कि पाइथन लिखा कैसे जाता है, स्क्रिप्ट कैसे हो, स्क्रिप्टिंग कैसे होती है उसकी, तो उसकी लिखावट कैसे है, और लिखावट बाकी लैंग्वेजेस से आपको अलग पता लग जाएगी क्योंकि आपने लैंग्वेजेस बाकी पढ़ी हुई हैं, राइट। तो बहुत डिफरेंट है और लेकिन आसान बहुत है, इतना भी डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान है। फिर हमने लेक्चर 3 में हमने देखने की कोशिश की कि जो वेरिएबल है उनके नामकरण आप कैसे रख रहे हैं। सो अब हम बात करेंगे कि यूज़र का टाइप जो इनपुट है, आप इनपुट कैसे ले सकते हैं, यूज़र इनपुट कैसे दे सकता है, और टाइप कन्वर्जन आप कैसे कर सकते हैं। तो बिना देर गवाए मैं आ जाते हैं आपको इस लेक्चर नंबर 4 के सफ़र पर ले चलता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इनपुट फंक्शन की। अब ये इनपुट फंक्शन क्या काम करता है, ये कहता है भाई मैं स्ट्रिंग लूँगा, राइट, मैं लूँगा एक स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा प्रॉम्प्ट की तरह, प्रिंट ऐसा प्रॉम्प्ट, मतलब बता देगा कि हाँ भी ये आया कुछ आपके लिए। तो जो यूज़र है वो टाइप रिटर्न्स द यूज़र टाइप्ड वैल्यू एज अ स्ट्रिंग, मतलब ये इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग लेगा और स्ट्रिंग दिखाएगा। स्ट्रिंग लिया यूज़र से, एज अ स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग दिखा देगा, सिंपल। अभी देखते हैं इसको कैसे कर रहा है, इसको हम हाउ टू प्रोसेस स्ट्रिंग यूज़र लेटर हम आगे देख लेंगे इसको, स्ट्रिंग्स की बात। तो ये देखिए कि भाई ये यहाँ पर दे रखा है एज इक्वल्स टू, सॉरी घूमना जाऊँ, एज इक्वल्स टू इनपुट हाउ ओल्ड आर यू। देखिए इनपुट फंक्शन दे रखा सिंपल सा इसमें। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे ना तो इंक्लूड करना पड़ा, ना इनपुट करना पड़ा, ना इंपोर्ट करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, सीधा इस्तेमाल कर लिया, वेरी वेरी इजी। तो एज में दे रहा हूँ, यहाँ पर ही दे रहा हूँ, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू उसने पूछा, तो अब ये क्या करेगा, ये पूछ के यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे ना ये कर्सर ब्लिंक करना शुरू हो जाएगा और ये पूछना शुरू कर देगा, ब्लिंक करता रहेगा, पूछेगा कि भाई क्या एज है, बताओ बताओ। जो देखो इसको नहीं पता पाइथन को कि एज पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, राइट, वो एक वैल्यू ले रहा है जो एज नाम के वेरिएबल पर जाके सेव होगी, ठीक है। और वैल्यू कौन से लेगा, ये लेगा स्ट्रिंग, ओके। तो यहाँ वैल्यू क्या दी, 35, राइट, 35 दे दी। आफ्टर दैट जब ये एंटर प्रेस कर दिया, काम ख़त्म, अब उसने वैल्यू ले ली। अब मैंने उसे पूछना चाहा कि भाई मेरी एज क्या है, तो मैंने कैसे पूछा, भाई प्रिंट करो एक स्ट्रिंग सिंगल कोट्स के अंदर एज और सिंगल कोट्स में ईयर्स ओल्ड, ये मैंने करना चाहा। और मैंने कहा भाई बीच में एज दिखा दो, या तो मैं प्लस करके करता या मैं सीधा कॉमा दे रहा हूँ, दोनों तरीके हैं, या मैं प्लस करता कंकैटिनेशन हो जाए, क्योंकि ये मुझे पता है कि एज क्या है यहाँ पर, स्ट्रिंग। मैंने क्या कहा था, इट टेक्स आर्गुमेंट एज अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ले रहा है और वैल्यू को भी सेव करेगा स्ट्रिंग में, तो एज इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल हियर। 35 जो हो रही है वो स्ट्रिंग हो रही है, वो नंबर नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो 35 जो मेरा सेव हो रहा है वो कुछ इस तरीके से सेव हो रहा है, इट्स अ स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आपको शायद याद हो सी लैंग्वेज के अंदर आपके इसमें माफ कीजिएगा एस्काई कोड्स आते हैं, राइट, ये आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा, टर्बो सी में। तो पाइथन इससे ज़्यादा बेस इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल होता है आपका यूनिकोड, राइट, ये सेम चीज़ वही तकनीक है कि इस कैरेक्टर को आप इंटीजर में कैसे लेकर आ रहे हो, वेरिएबल में बाइनरी में कैसे लेकर आ रहे हो, तो कैरेक्टर रीड कैसे करता है कंप्यूटर, तो इन कोडिंग फॉर्मेट्स के थ्रू करता है। इसको हम आगे कभी किसी लेक्चर में अलग से देखेंगे, अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लेंगे कि पाइथन यूनिकोड इस्तेमाल करता है और एस्काई कैरेक्टर कोड के ऊपर काम हो जाता है, राइट। तो इसको हम अभी यहाँ टच नहीं कर रहे हैं, ये अलग टॉपिक हो जाएगा, इसको मैं अलग कभी बाद में बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने कहा कि यू आर द एज ओल्ड, जैसे ही मैंने इसको कहा कि प्रिंट करो, तो प्रिंट करके इसने मुझे दे दिया यू आर 35 ईयर्स ओल्ड, टाडा, बहुत ही शानदार, मेरा जो वैल्यू थी एज की उसने मुझे दिखा दी, राइट। तो इसने कहा यू आर 35 ईयर्स ओल्ड, या एज की वैल्यू जो, अगर 33 देता, 40 देता, 20 देता, तो जो भी वैल्यू होती वो यहाँ पर दिखा देता,
और मैं आप में पूछना चाह रहा हूँ कि भी जो एज जो मैं एंटर कर रहा हूँ, जो वेरिएबल है एज, या इसका डेटा टाइप क्या है? मैंने आपको अभी कहा था कि प्रिंट करना चाहिए, जो कह रहा है पाइथन से पूछते हैं, तो मैंने पाइथन से पूछा कि भाई एज का जो टाइप है क्या है, उसने क्या दिया, टाइप str, टाइप str मतलब क्या है, स्ट्रिंग है भाई। तो एज यहाँ पे इनपुट फंक्शन ने स्ट्रिंग लिया, राइट, ये भी स्ट्रिंग है, और जो जा रहा है वैल्यू वो भी आफ्टर प्रॉम्प्ट जो वैल्यू जाएगी ये क्या होगी, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग दिया। तो ये इनपुट फंक्शन मेरा कुछ इस तरह से काम करता है। अब कुछ एलिमेंट्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ पाइथन क्या है, इसके कुछ ज़रूरी बातें और जानने की कोशिश करते हैं। पहला तो भाई डेफिनेशन और कमांड्स, स्टेटमेंट्स होती हैं कि भाई जो कमांड्स हैं वो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं, और फिर हर ऑब्जेक्ट जो है वो टाइप से एसोसिएट होता है, जो कि आपको मैंने बताया। फिर टाइप क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज़ होता है, सेट ऑफ ऑपरेशन ऑन दीज वैल्यूज़ भी होता है, तो ये सब टाइप हो गए आपके। और एक्सप्रेशंस क्या होते हैं आपके, क्या ऑपरेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेटर्स, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन की कहानी हम अगले लेक्चर में और देखेंगे, राइट। तो कौन कौन से टाइप्स है पाइथन के अंदर, ध्यान देते हैं, न्यूमेरिक, सीक्वेंस, बूलियन, सेट और डिक्शनरी। न्यूमेरिक में आपके आगे इंटीजर, राइट, फ्लोट, अभी इसको हम और देखेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्लोटिंग ही क्यों कहा है इसको, जंपिंग पॉइंट क्यों नहीं कहा गया इसको, क्या कहते हैं इसको, इसको और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया, जंपिंग पॉइंट क्यों नहीं कहा गया, स्विमिंग पॉइंट क्यों नहीं कहा गया, तो फ्लोटिंग ही क्यों कहा गया इसको, फ्लोट ही क्यों कहा गया, राइट। तो इसको भी हम देखेंगे। सीक्वेंस टाइप, सीक्वेंस के हमारी बात करेंगे, सीक्वेंस टाइप कौन कौन से होते, टाइप्स होते हैं। बूलियन जिसकी वैल्यू दो ही होती है, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये हो गया बूलियन। सेट और डिक्शनरी भी हम आगे देखेंगे, आगे के लेक्चर्स में करेंगे कवर अप फटाफट। सो ये देखिए, ये कंप्लीट चीज़ है आप लोगों को दिखाने के लिए, बड़े शानदार तरीके से लेकर आया हूँ। पाइथन डेटा टाइप्स कितने प्रकार के, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक में कई प्रकार हैं, देखिए, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्लोट, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भूल गया था, राइट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गया इसके अंदर, यस। सी लैंग्वेज में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर इस्तेमाल करना है या सी प्लस प्लस में करना है, तो आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, कॉम्प्लेक्स डॉट एच, लेकिन यहाँ पर आपको करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। और डिक्शनरी के हम बात बाद में करेंगे, बूलियन की बात बाद में करेंगे, सेट की बात भी बाद में करेंगे। सीक्वेंस टाइप देखिए, सीक्वेंस तीन प्रकार के सीक्वेंस होती है गाइस, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल। ये देखिए, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, सिंपल सा फंडा है देखिए, तो ये हमारे हो गए सीक्वेंस टाइप्स। जबकि स्ट्रिंग्स की, लिस्ट के, टपल की बात भी हम अगले लेक्चर्स में बिल्कुल देखने वाले हैं, तो फिलहाल हम अभी डेटा टाइप्स की बात समझने की कोशिश करते हैं। मैं दोबारा बता दूं, पाइथन डेटा टाइप्स, दे आर नंबर ऑफ डेटा टाइप्स हियर प्रेजेंट, न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस, इन विच डिक्शनरी, बूलियन एंड सेट विल डिस्कस इन अदर लेक्चर्स, वाइल वी आर कंसिडरिंग राइट नाउ ऑन न्यूमेरिक, एंड वी ऑल्सो कंसिडर, विल ऑल्सो डिस्कस सीक्वेंस टाइप, स्ट्रिंग्स, लिस्ट एंड टपल इन अदर, इन द फ्यूचर लेक्चर्स एज वेल। तो फिलहाल हमारे पास राइट नाउ वी हैव इंटीजर, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड फ्लोट, दीज थ्री न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। सो और आगे बढ़ते हैं, तो कैसे दिख रहा है देखो, लेट सी कैसे काम कर रहा है। आई एम सॉरी, टाइप 500 मैंने क्या लिखा हुआ है, टाइप 500। सो ये क्या कर रहा है ये चीज़, सो मैं देख, उसने मुझे पूछा टाइप, मैंने क्या बता दिया उसने, इंटीजर। फिर पूछा भाई -200 का टाइप बताओ, तो उसने क्या कहा, इंटीजर। फिर कहा भाई टाइप बताओ 3.1413 का, तो उसने आंसर दे दिया मुझे, फ्लोट, टाइप ट्रू। मैंने आपको बताया था ट्रू और फॉल्स किस में आता है, बूलियन में, तो उसने क्या दे दिया, बूल, राइट, शॉर्ट फॉर्म फॉर बूलियन। मैंने लिखा हेलो क्लास, दे दिया str, टाइप 3 नॉट इक्वल्स टू 2,
भाई तीन दो के बराबर नहीं है, या तो ट्रू हो गया फॉल्स होगा, क्या है बराबर नहीं है ना, तो ट्रू हुआ तो ये वैल्यू किस टाइप की है, बूलियन, राइट। अब हम बात करते हैं टाइप कन्वर्शन और टाइप कास्टिंग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने सी लैंग्वेज पढ़ा होगा टाइप कन्वर्शन टाइप कास्टिंग, ठीक वही तरीका यहाँ पर काम आ रहा है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। तो इस पर बढ़ने से पहले पहले जरा जो अंग्रेजी ऊपर लिखी उसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। क्या कह रहा है कि भाई पाइथन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक टाइप ऑफ वेरिएबल को दूसरे टाइप में कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये जो कन्वर्जन है दिस इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, या आप टाइप कास्टिंग शब्द बोले या टाइप कन्वर्जन बोले, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। अब कास्टिंग की मैं बात बताऊं, वी कन्वर्ट वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड इन स्पेसिफिक डेटा टाइप्स टू डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये कास्टिंग में हम क्या करते हैं कि हम कन्वर्ट करते हैं वेरिएबल्स को जो कि एक तरह के डेटा टाइप में डिक्लेयर्ड है स्पेसिफिक में, और अलग डेटा टाइप में उसको हम डिफरेंट डेटा टाइप्स में उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और पाइथन जो है परफॉर्म करता है दो प्रकार की कास्टिंग को, एक प्रकार है इम्प्लिसिट जो कि अपने आप हो जाती है, इम्प्लिसिट का मतलब हो गया अपने आप हो जाना, कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए, तो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो गया। पाइथन इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली, मैंने क्या कहा था आपसे, अपने आप कर देता है, ऑटोमेटिकली परफॉर्म्स एन इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, बहुत ईजी है, विच अवॉइड्स लॉस ऑफ डेटा, अपने आप ही कर देता है। पाइथन कहता है कोई नहीं सर, आई विल डू द टाइप कन्वर्जन फॉर ऑन योर बिहाफ, मैं कर लूंगा अपने आप, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग आ गया आपकी एक्सप्लिसिट कास्टिंग, द एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज परफॉर्म्ड बाय द यूजर यूजिंग द बिल्ट इन फंक्शंस। अगर आप किसी बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग। अगर आप बिना किसी फंक्शन का इस्तेमाल करके आप एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कास्टिंग, ठीक है गाइस। ये सिंपल सा फंडा, इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। और इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये एक्सप्लिसिट के तरीके हैं। पाइथन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा पाइथन है, इसने क्या हमारे लिए काम आसान कर दिया, टाइप कास्टिंग के लिए जो जो डेटा टाइप्स है ना उनके फंक्शन बना दिए, इंटीजर फ्लोट कॉम्प्लेक्स बूल एसटीआर, है ना अच्छी बात। आपको किसी भी वेरिएबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आप उसका यहाँ पर लिख दीजिए, वो इंट में कन्वर्ट कर देगा, किसी को फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट में कर देगा, कॉम्प्लेक्स में करना है तो कॉम्प्लेक्स में कर देगा, बूलियन में करना है बूलियन में कर देगा, एसटीआर करना है या स्ट्रिंग में करना है कर देगा। तो कन्वर्ट एनी टाइप वेरिएबल टू स्ट्रिंग टाइप, बूल टाइप, कॉम्प्लेक्स टाइप, फ्लोट, इंटीजर, दिस इज व्हाट आई कॉल, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में कहा, एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्लिसिट, मतलब फंक्शंस का इस्तेमाल करके आप टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्सप्लिसिट, आपको करना पड़ रहा है, आपको अपने आप नहीं हो रहा है वो चीज़ करने के लिए, राइट। इंट टाइप कन्वर्जन को देखिए जरा फटाफट, राइट। इन टाइप मतलब बेस 10, ये आपको जो डेसिमल इंटीजर होता है उसके ऊपर काम करता है, तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा इन टाइप में, फटाफट देख लेते हैं। जैसे कि मैं इधर हो जाता हूँ आराम से, आपको ताकि दिख जाए कि पाई इक्वल टू 3.14 मैंने दे रखा है, इसको मैंने प्रिंट टाइप पाई कर दिया, इसने मुझे आउटपुट क्या क्या दिया, फ्लोट, और देखिए उसने मुझे आउटपुट दे देगा, और उसके ये प्रोग्राम लिखाएगा इसमें, इसको प्रोग्राम को रन करूँगा सेम आउटपुट इस तरह से आएगा। आप इसको ट्राई कर, इसको लिख लो और आप रन करके खुद देख लो कि क्या आउटपुट आ रहा है। फिर मैंने कहा नम इक्वल्स टू इंट ऑफ पाई, पाई क्या है 3.14, फ्लोट वैल्यू है, फ्लोट को किस पे कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर में, तो क्या जाएगा नंबर 3, राइट। और उसका टाइप करेंगे तो क्लास इंट दिखा देगा आउटपुट मेरा, इस तरह से दिखा देगा, दिस इज अ थिंग, दिस इज अ कास्टिंग द फ्लोट वैल्यू टू एन इंटीजर। और देखें क्या दे रखा है हमारे पास, फ्लोट टाइप कन्वर्शन दे रखा है ना। तो यहाँ पे मैं नंबर हो गया 725, इसका मैं टाइप पता करना चाहता हूँ, तो टाइप मुझे आंसर दे देगा int, और इसको कन्वर्ट करूँगा, फिर मैं
ये क्या है इंटीजर को फ्लोट में, तो मैंने क्या कर दूंगा फ्लोट नाम का फंक्शन इस्तेमाल कर लूंगा और इस फ्लोट नंबर को जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे 725.0 दिखा देगा। ठीक है, तो ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका टाइप num1 कर दिया अलग से, तो ये num1 है ये टाइप का दिखा देगा फ्लोट, मुझे बता भी देगा कि पहले वो इंटीजर था अब वो क्या हो गया फ्लोट विद द हेल्प ऑफ फंक्शन फ्लोट। दिस इज कॉल्ड फ्लोट टाइप कन्वर्शन, इंटीजर टू फ्लोट। और आगे देखते हैं, देखो और भी दे रखा है, स्ट्रिंग टू फ्लोट देख लीजिए 725.535, ये क्या स्ट्रिंग नंबर है, मैंने आपसे कहा था तो इसको कन्वर्ट करना है मुझे फ्लोट पे, तो फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल कर लिया, उसने मुझे आउटपुट दे दिया फ्लोट पे। ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है ना गाइस, है ना, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कोड, ये इस तरह से कोड आपको लिखना चाहिए राइट। ये आइडियली में लिखा है मैंने 3.10.1 के आइडियली में लिखा है मैंने कोड, ये तो ये कितना अच्छा सुंदर सुंदर कलर कलर में अच्छे से आ रहा है राइट। सो और देखते हैं कॉम्प्लेक्स टाइप कन्वर्शन में, देखते हैं हम कॉम्प्लेक्स में आपका कॉम्प्लेक्स नाम का फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट करने के लिए एक्स और वाई। ये या आपको याद होगा एक्स प्लस आयोटा वाई राइट, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल है ये इमेजनरी है ना, आयोटा की जगह यहाँ पर आ जाएगा जे, बस ये फर्क है, जो आपके सी लैंग्वेज में भी यही बात थी तो यहां पर आपका आ जाएगा जे। देख लेते हैं फटाफट, आर नाम 135, क्लास एंट और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट कर दिया तो 135 प्लस 0 जे, क्योंकि मैं सिर्फ एक नंबर दे रहा हूं ठीक है, एक ही नंबर पास कर रहा हूं यहां पर, तो मैंने इमेजिनरी नंबर नहीं दिया तो रियल नंबर हो गया, तो बाय डिफॉल्ट जो नंबर लेगा रियल नंबर लेगा ठीक है। और अगर मैं इसको दो नंबर दे रहा हूँ तो पहले को नंबर हमेशा रियल लेगा और दूसरे को हमेशा क्या लेगा इमेजिनरी लेगा, ये बिल्कुल ध्यान रखना आप। तो ये 135 प्लस 235 जे, जे इज द आयोटा की जगह हम आई नहीं लिख सकते तो जे कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। आई होप ये चीज़ अब क्लियर हो रही होगी आपको, ये चीज़ बहुत ही आसान से क्लियर हो रही होगी है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स टाइप कन्वर्शन है, इस प्रोग्राम को भी आप रन करके देख लीजिएगा, एक एक लाइन को अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आ गया बूल टाइप कन्वर्जन, बूल में क्या होगा ट्रू की वैल्यू होती है 1 और फॉल्स की होती है 0, एनीथिंग 0 इज फॉल्स एंड नॉन जीरो इज ट्रू। तो जैसे देख लेते हैं इसको, नम 1 है 10 और नम 2 है 0, और इसका प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आएगा इंटीजर आएगा। फिर मैंने कहा कि b1 और b2, मैंने कह दिया कि भाई b1 का तो मुझे बूलियन बताओ क्या है, नम 1 का बूलियन क्या आएगा ट्रू क्योंकि वो 10 है क्योंकि मोर देन 1 है राइट, एनीथिंग जो जीरो नहीं है नॉन जीरो है वो क्या हो गया ट्रू 1, तो वो ट्रू दे दिया इसने और चूंकि वो जीरो है तो फॉल्स दे दिया और टाइप बता दिया इसने मुझे कौन सी क्लास है ये बुलियन क्लास है। तो ये हो गया इंटीजर टाइप टू बुलियन टाइप, ऐसे आप स्ट्रिंग्स कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे आप फ्लोट कन्वर्ट कर सकते हो, बथेरे काम कर सकते हो आप इसके अंदर। और देख लेते हैं स्ट्रिंग टाइप कन्वर्शन, देख लेते आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम इंटीजर को स्ट्रिंग में कर रहे हैं, ये देखिए जरा नम इक्वल टू 15, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग में देखिए सिंगल कोट्स आ गया, मैं आपको दोबारा बता दूं, या तो आप सिंगल कोट्स इस्तेमाल करिए या आप डबल कोट्स इस्तेमाल करिए या तो आप तीन सिंगल कोट इस्तेमाल करिए या फिर आप तीन डबल कोट्स इस्तेमाल करिए, पाइथन आपको इन सब की इजाज़त देता है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आपका होगा सिंगल सिंगल कोट्स, ये हो गया डबल कोट्स ठीक है, तो आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये आपका स्ट्रिंग का दर्शाने का तरीका हो गया, तो बाय डिफॉल्ट तो खैर पाइथन देगा आपका सिंगल कोट्स के अंदर ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये लेक्चर बहुत ही आई थिंक शॉर्ट रहा, बहुत ही आसान रहा, तो लेकिन आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो धन्यवाद आप लोगों का कि आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना और आई होप आपको समझ में आएगा, हम और लेक्चर्स में और लाता रहूँगा, हम आगे इसको कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। सो दैट्स इट फॉर टुडे, धन्यवाद।